Dev wants apocalypse, Sylvester midrange speaker. Installation jo hai, that is very neat and clean. Hello everyone, this is Rahul from Carman India and we are back again with another amazing video. तो आज जो कार मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज BMW 5 सीरीज, जिसके अंदर हम एक SPL ऑडियो अपग्रेड करेंगे, विच इज गोना बी वेरी लाउड एंड उसकी जो साउंड क्वालिटी रहने वाली है दैट इज गोना बी नेक्स्ट लेवल. सो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है आज की वीडियो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. बात आती है कि फाइनली हम इस कार के अंदर आज क्या क्या करेंगे. तो अगर मैं आपको कार की स्टॉक कंडीशन दिखाऊं, जिस कंडीशन में कार हमें रिसीव हुई है, तो आप देख सकते हैं सिंस दिस इज एन ओल्ड BMW तो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन इज वेरी आउटडेटेड. तो आज इसको हम करेंगे अपग्रेड, यहाँ पे हम लगाएंगे एंड्रॉयड टच स्क्रीन. एंड एज यू गाइस नो कि एंड्रॉयड टच स्क्रीन के अंदर हमें जो जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे इस कार के अंदर हमें मिलेंगे एंड ओवरऑल इट विल बी अ मेजर अपग्रेड टू दिस कार. सेकेंडली एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर आज SPL ऑडियो अपग्रेड होने वाला है, सो इसके अंदर वी आर गोना एड सुपर ट्वीटर्स, मिड रेंज स्पीकर्स, सब वूफर, एम्पलीफायर एंड मेनी अदर कॉम्पोनेंट, जिसकी लाउडनेस जो होगी दैट विल बी रियली रियली लाउड. एग्जैक्टली इस कार के अंदर क्या क्या चीजें इंस्टॉल होगी उन सब की मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा एंड देन आई विल शो यू द इंस्टॉलेशन कि कैसे उसको नीटली अपनी अपनी जगह पे इंस्टॉल किया जाता है. एंड गाइज उसी के साथ साथ एज यू गाइज ऑल नो कि जितनी भी हमारी ऑडियो इंस्टॉलेशन होती है दैट इज ऑल कपलर टू कपलर, किसी भी तरह की कोई वायर कटिंग नहीं की जाएगी. सो द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वी आर गोना डिलीवर एज यूजुअल विल बी टॉप. नाउ दीज आर द कंपोनेंट्स दैट वी आर गोना इंस्टॉल इन BMW. सबसे पहले आता है हमारा एंड्रॉयड हेड यूनिट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज एंड्रॉयड कार नेविगेशन हेड यूनिट एंड दिस इज कस्टम मेड फॉर BMW 5 सीरीज 2007 मॉडल. दिस इज अ 8 कोर कॉर्टेक्स प्रोसेसर एंड्रॉयड हेड यूनिट एंड दिस इज अ HD कैपेसिटिव टच एंड्रॉयड टच स्क्रीन जो हमारे इंस्टॉल करने जा रहे हैं. नेक्स्ट कम्स ऑन अ लिस्ट आर मिड रेंज स्पीकर्स. तो हमारे जो आगे के ए पिलर्स हैं वहां पे फॉर वेरी लाउड वोकल्स हम इंस्टॉल करेंगे इन्फिनिटी कापा के मिड रेंज स्पीकर्स. इनको पॉट्स की हेल्प से ए पिलर के ऊपर माउंट किया जाएगा फॉर लाउड वोकल्स. उसी के साथ साथ सिंस दिस इज अ SPL सेटअप तो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे सुपर ट्वीटर्स बाय डेवमॉन्स हैनिबल सीरीज. इसको भी हमारे ए पिलर के ऊपर यूजिंग पॉड्स माउंट किया जाएगा. सो हमारे आगे के जो दोनों पिलर्स हैं उस पे एक एक मिड रेंज स्पीकर ऐड किया जाएगा एंड एक एक सुपर ट्वीटर ऐड किया जाएगा. नाउ कम्स जो हमारे फ्रंट वाले डोर्स हैं, द ड्राइवर डोर एंड पैसेंजर डोर, वहां पे हम इंस्टॉल करेंगे JL ऑडियो C1650 कॉम्पोनेंट स्पीकर्स. दिस इज अ सेट ऑफ 6 पीसेस विच हैज 2 ट्वीटर्स, 2 मिड बेस ड्राइवर्स एंड 2 क्रॉसओवर्स. तो इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा आगे वाले दोनों डोर्स पे. एंड जो BMW के रियर वाले डोर्स हैं वहाँ पे हमें सिंस कोई स्पीकर इंस्टॉल करने का प्रोविजन नहीं प्रोवाइड किया जाता, देयरफॉर जो उसकी रियर वाली पार्सल ट्रे होती है वहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे डेवबॉन्स एपोकलिप्स सिल्वेस्टर मिड रेंज स्पीकर्स. इन दो मिड रेंज स्पीकर्स को पीछे वाली ट्रे के ऊपर ऐड किया जाएगा बिकॉज एज यू गाइज नो कि मिड रेंज स्पीकर्स के वोकल्स आर रियली वेरी लाउड. एंड उसी के साथ साथ 2 मिड रेंज स्पीकर्स के साथ 2 सुपर ट्वीटर्स भी इंस्टॉल किए जाएंगे ऑन द रियर ट्रे इटसेल्फ. तो ये सारा तो हो गया हमारा स्पीकर्स का सेटअप जो आज हम कार के अंदर लगा रहे हैं. उसी के साथ साथ हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे एक डेवबॉन्स मचेटे MA DSP. DSP इज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर एंड इसका रोल रहता है फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग का, कि हम जो भी फ्रीक्वेंसीज चाहते हैं कि हमारे मिड रेंज स्पीकर्स में जाए, कॉम्पोनेंट स्पीकर्स में जाए या फिर सब वूफर में जाए, वो सारा का सारा इस DSP के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा. नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज 1500.1 Avatar Tsunami Series Amplifier Class D. ये हमारा यूज होगा since this is an SPL setup, which means इसके अंदर काफी loud bass रहने वाले हैं. So we are gonna install 2 woofers and दोनों के दोनों woofers को इस amplifier के through drive मिलेगी. जो woofers हैं वो हमें अपने customer के through provide किए जाएंगे. So वही वाले woofers को हम add करेंगे using this amplifier. उसी के साथ साथ एक amplifier add किया जाएगा Avatar ABR 360.4 amplifier. एंड एक और एम्पलीफायर इसके अंदर ऐड किया जाएगा विच विल बी एन अल्पाइन एम्पलीफायर, जो कि अगेन हमें कस्टमर प्रोवाइड करेंगे अपना. सो ऑन टोटल इस कार के अंदर 3 एम्पलीफायर्स ऐड होंगे, 1 360.4, 1 1500.1
एंड द अदर वन विल बी प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर। उसी के साथ साथ जो हमारे डोर्स हैं, डोर के ऊपर जो डैम्पिंग की रहेगी, दैट विल बी डॉक्टर आर्टेक्स गोल्ड सीरीज डैम्पिंग। एंड इस डैम्पिंग की स्पेशलिटी ये दैट दिस इज अ 2.6 mm डैम्पिंग विच इज वेरी थिक एंड वेरी ड्यूरेबल, एंड कभी भी इसके मेल्ट होने का कोई चांस नहीं रहता। सो दिस इज ऑल जो आज हम कार के अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब कैसे कैसे सारी चीजें इंस्टॉल होगी और क्या उसका आउटपुट आता है, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। फाइनली द इंस्टॉलेशन इन दिस कार हैज स्टार्टेड एंड काफी चीजें इसके अंदर इंस्टॉल हो भी चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एंड्रॉइड टच स्क्रीन है हमारा, वो भी इंस्टॉल हो चुका है, इसकी फाइनल फिक्सिंग करनी बस रह गई है। एंड इसका रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, दैट इज फुल HD। एंड इसके अंदर आप किसी भी तरह की एप्लीकेशंस वगैरह डायरेक्टली डाउनलोड करके चला सकते हैं। इट कम्स विद इनबिल्ट प्ले स्टोर, रैम एंड इंटरनल स्टोरेज। उसी के साथ साथ जो हमारे डोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंस हमें काफी छोटी सी स्पेस प्रोवाइड की गई है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर कॉम्पोनेंट स्पीकर्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी अनबॉक्सिंग में दिखा चुका हूँ। सो दिस इज ऑल जो हमारा आगे वाला हो गया। एंड उसी के साथ साथ हमारे जो पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर यहाँ पे हमने माउंट किए हैं बुलेट ट्वीटर्स। उसी के साथ साथ नीचे हमने माउंट किए मिड रेंज स्पीकर्स। सो मिड रेंज स्पीकर्स विल गिव अस वेरी गुड वोकल्स, एंड उसी के साथ साथ जो बुलेट ट्वीटर्स है, दैट विल गिव अस वेरी लाउड ट्रेबल। सो दिस इज द सेटअप आप देख सकते हैं जो फ्रंट पे किया गया है, 2-1 बुलेट ट्वीटर एंड 1 मिड रेंज ऑन दैट साइड, एंड 1 बुलेट ट्वीटर एंड 1 मिड रेंज ऑन द राइट। उसी के साथ साथ इफ आई कम ऑन द रियर साइड, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो रियर वाली पार्सल ट्रे है, यहाँ पे हमने 2 मिड रेंज स्पीकर्स को इंस्टॉल किया है, 1 मिड रेंज स्पीकर ओवर हियर, द अदर ऑन द अदर एंड। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं 2 बुलेट ट्वीटर्स बाय डेवबॉन्स, वो भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिड रेंज के साथ लगाए गए हैं, सो दैट हमारे जो रियर पैसेंजर्स हैं उनको भी ऑप्टिमम साउंड आउटपुट प्रोवाइड किया। अब बात आती है एम्पलीफायर्स की, तो एम्पलीफायर्स आप जैसे कि देख सकते हैं इसके अंदर 1 एवर्टार 360.4 4 चैनल एम्पलीफायर, 1 इज अ 1500 RMS मोनोब्लॉक बाय एवर्टार फॉर ड्राइविंग द सब वूफर, एंड उसी के साथ साथ अनदर 4 चैनल एम्पलीफायर बाय अल्पाइन हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन जो है, दैट इज वेरी नीट एंड क्लीन। जो भी वायरिंग की गई है, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड यूजिंग अ रबर जैकेट, एंड उसकी राउटिंग सारी की सारी अंडरग्राउंड की गई है। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी नीट एंड क्लीन सेटअप। एंड सिंस हमारी ये सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डबल सब वूफर बाय रॉकफोर्ड। एंड फाइनली आफ्टर एम्पलीफायर इंस्टॉलेशन, इसके अंदर वूफर एनक्लोजर भी प्लेस कर दिया गया है। जो वूफर्स इसके अंदर यूज हुए हैं, डबल वूफर्स यूज किए गए हैं, एंड उसी के हिसाब से इसका एनक्लोजर डिजाइन किया गया। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा इसका एक साउंड आउटपुट विच इज टोटली नेक्स्ट लेवल। सो जैसा कि आप सब लोगों ने सुना कि इसका जो साउंड आउटपुट है, दैट इज रियली रियली लाउड।
एंड मोर ओवर हमने जितने भी इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स ऐड करे हैं, नो मैटर हमारे कॉम्पोनेंट स्पीकर्स थे, मिडविंड स्पीकर्स थे, बुलेट ट्वीटर्स थे, ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग देयर सपोर्टिंग कैरेक्टर वेरी वेल एंड जो ओवरऑल एक कम्बाइंड साउंड आउटपुट आ रहा है दैट इज वेरी लाउड एंड दिस इज द ओनली BMW 5 सीरीज 2007 मॉडल इन इंडिया दैट हैज सच एन SPL ऑडियो अपग्रेड. सो दिस कार इज वेरी यूनिक. अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसा ही एक प्रीमियम SPL अपग्रेड प्लान कर रहे हैं, नो मैटर विच एवर कार यू हैव, बी इट BMW, ऑडी, मर्सिडीज और एनी अदर कार, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस. जो हमारे शोरूम के एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू स्टे अपडेटेड विद आवर डेली पोस्ट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. जो हमारे इंस्टाग्राम पेज का हैंडल है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, सो यू कैन गो देयर एंड फॉलो अस. दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड फॉर ऑल द अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस. दिस इज मी राहुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे. थैंक यू.